अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पढ़ाइयाँ भी बड़ा दिल लगा के कर रहे होंगे, अपने होमवर्क्स भी टाइम पे सबमिट करा रहे होंगे। आप सब जानते हैं ना, ये मैथ्स है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मार्ट कौन बनेगा? आप स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, 4 सम्स सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो वो सबमिट हो चुके होंगे ना टीचर्स को? आंसर्स कुछ इस तरह आए थे, 35, 15, 104, 25 and 60। मनी के कुछ कॉइन्स थे, कुछ स्पेशल नोट्स थे, एंड यू आर सपोज टू ऐड देम एंड टेल द टोटल अमाउंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम। आज भी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 106। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक अवे ₹5 एंड फ्रॉम ₹10। टेक अवे ₹5 फ्रॉम ₹10। आपने ₹5 से ₹10 लेने हैं। अब किस तरीके से बेसिकली ये होगा? दो कॉइन्स हैं ₹5 के, ठीक है। 5 and 5 मेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बेसिकली कितने पैसे हो गए? 10। 2 5 के कॉइन्स। अब आपने यहाँ क्या करना है, 10 में से टेक अवे 5 ले लें वापस। कितने ले लेने? 5। लेफ्ट ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 लेफ्ट ओवर वैल्यू हो गई। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? डैश आर लेफ्ट। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 5 आर लेफ्ट। वेरी गुड। नाउ टेक अवे ₹15 फ्रॉम 20। तो आपने पार्ट ए में आंसर क्या लिखना है? 5। अब आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है, क्वेश्चन कॉपी करना है। आप देयर इज़ नो नीड टू ड्रॉ कॉइन्स, मगर आपका दिल करे तो आप कॉइन्स भी ड्रॉ कर लीजिएगा। किड्स इन्जॉय ड्राइंग, राइट? किड्स इन्जॉय दिस एक्टिविटी। सो उसके बाद आपने अपने आंसर्स मेंशन कर देने हैं और सॉल्यूशन भी शो कर दीजिएगा। आपने क्या किया है? 10 में से सब्ट्रैक्ट किए हैं 5, ठीक है ना। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ टेक अवे ₹15 फ्रॉम 20। अब आपने क्या करना है भाई? पार्ट टू आपने देखा, टेक अवे ₹15 फ्रॉम 20। 20 से ₹50 आपने ले लेने हैं। भाई आप सोच रहे होंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अमाउंट गिवन है 10, 5 and 5। 10 rupee नोट, 5 rupee कॉइन एंड 5 rupee कॉइन। यू हैव टू बेसिकली सब्ट्रैक्ट हियर, ठीक है। आपने माइनस करने हैं। 20 rupees टोटल है। 20 कैसे हो गए टोटल? 10 rupee नोट है एक और 2 5 rupee कॉइन है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर 2 5 के कॉइन्स होंगे वो ऑल टुगेदर कितना बनाते हैं? 10 rupees। एंड 10 plus 10 गिव्स अस 20, राइट? वेरी गुड। तो 20 में से आपने क्या करना है? 15 माइनस करने हैं। आपको यहाँ शो किया हुआ है कि 15 माइनस कैसे होंगे। 10 एंड 5 को हमने क्या कर दिया है यहाँ? क्रॉस। 10 प्लस 5 कितने बनाते हैं? 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कितना अमाउंट है? 15। लेफ्ट ओवर वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। 20 ऑल टुगेदर थे, 15 माइनस कर दिए, लेफ्ट क्या हो गया हमारे पास? 5 rupees। वेरी गुड। तो द नेक्स्ट टू पार्ट्स अब हम सॉल्व करते हैं। एक पार्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ऑलराइट, और होमवर्क के लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आप होमवर्क कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए डिज़ाइन करते हैं रिसोर्स गाइड, जो कि स्क्रीन्स पे अटैच किया जाता है, ताकि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, डिफ़िकल्टी हो, तो आपने क्या करना है? यू हैव योर रिसोर्स लिंक, जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड या इट विल बिकम ईजी। ऑलराइट, गुड। तो हमने पार्ट 3 सॉल्व करना है। यू हैव ₹10 एंड रिसीव ₹10 मोर। आपके पास थे 10 रुपये
और आपने 10 रुपीज़ और रिसीव कर लिए, तो यहाँ पे मोर का वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे आपने क्या करना है, एडिशन। ठीक है, तो ऐड कीजिए ज़रा इन दोनों को और आंसर भी मेंशन करेंगे फिर आप। ठीक है, इसी के साथ आपने नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करना है। 50 रुपीज़ हैं और 5 रुपीज़ और हैं, इन्हें ऐड करके लिखना है। तो होमवर्क्स ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके टीचर को सबमिट कराना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।